में आचार्य जी से मिलने के लिए संपर्क करें। 19 जून जयपुर, 20 जून अमृतसर, 21 जून अहमदाबाद, 22 व 23 जून मुंबई, 24 जून बेंगलोर, 25 व 26 जून दिल्ली। इसके अलावा टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध हैं। प्रिय साथियों, बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, प्रत्येक व्यक्ति का अपने ससुराल से जो संबंध है वो मधुर होना, ऐसा हर व्यक्ति चाहता है और ऐसा होना भी चाहिए। ससुराल और किसी व्यक्ति के बीच का जो संबंध है उसको आप चाहे पारिवारिक संबंध कह लीजिए या उसको रिश्तेदारीपूर्ण संबंध कह लीजिए, और कहना ही क्या, वो ऐसा है ही। परंतु यदि इस रिश्ते में आपस में इतनी दखलअंदाजी आ जाए कि कोई व्यक्ति कौन सा करियर उसको चुनना चाहिए, यदि वो व्यापार कर रहा है तो उसको व्यापार में कब कौन सा डिसीजन लेना है, यदि वो नौकरी कर रहा है तो उसको कब नौकरी छोड़ना है, कब दूसरी नौकरी अपनाना है, इसका निर्णय यदि उसका ससुराल पक्ष करने लगे तब इसको आप क्या कहेंगे साथियों? इसको कहेंगे कि करियर में सीधा ससुराल का दखल। दरअसल साथियों, हम एक सीरीज़ पर कार्य कर रहे हैं और इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं। आज इस एपिसोड में विशेष तौर पर हम ये चर्चा करेंगे कि जन्म पत्रिका के माध्यम से ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि कब व्यक्ति के जीवन में और ख़ास तौर पर उसके करियर में उसके ससुराल पक्ष का और उसमें भी ख़ास तौर पर सासू माँ का ज़रूरत से ज़्यादा दखल हो सकता है। इस पर चर्चा करें। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो उसके लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, हो सकता है कि आपको आपके प्रश्न का आज ही उत्तर मिल जाए। साथियों, मंगल जो है उसको पृथ्वी से उत्पन्न माना गया है। पृथ्वी को आप यदि माँ मान लें तो उसका पुत्र जो है वो मंगल है, क्योंकि मंगल एक पुरुष कारक ग्रह है। आइए इसको हम जन्म पत्रिका के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये जो चौथा भाव है जहाँ पर कि मंगल देव विराजमान है, इसको सुख भाव भी कहा जाता है और इसको माता का कारक भाव भी कहा जाता है। इस स्थान पर जो मंगल बैठा है उसकी सीधी और स्पष्ट सातवीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ती है, अर्थात आपका कार्य, आपका कर्म, आपका करियर। और बहुत ही सिंपल सा एक सिद्धांत है कि मंगल की सातवीं दृष्टि व्यक्ति को शत्रुता प्रदान करती है, और विशेष तौर पर जबकि अब इसको आपको खास तौर से सुनने की ज़रूरत है कि यदि कुंडली ठीक से नहीं मिला करके विवाह किया गया है तब ही ये कारगर होगा। या तो कुंडली नहीं मिला करके विवाह किया गया है, या कुंडली को ठीक से नहीं मिलाया गया, मंगल को ठीक से नहीं देखा गया, तब इस प्रकार की समस्या आएगी ही आएगी। और जब भी व्यक्ति के मंगल फोर्थ हाउस में है और इस प्रकार का गलत डिसीजन जब लिया जाता है तब इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। साथियों, पुरुष उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम प्रत्येक एपिसोड को शोध परक बनाने के लिए कई कुंडलियों से उसका मिलान करते हैं। एक व्यक्ति जिसका कि विवाह होता है और वो अच्छी खासी नौकरी कर रहा होता है, अब उसके ससुराल वाले उसको पहले दिन से, क्योंकि ससुराल में बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया हुआ था, उसको टॉर्चर करना शुरू करते हैं कि तुम ये छोटी सी नौकरी छोड़ दो और हमारा व्यवसाय आकर के हमारे यहाँ पर ज्वाइन कर लो। ऐसा करते 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 उसको इतना मजबूर कर दिया गया कि उसने अपनी नौकरी से तो त्यागपत्र दे दिया और अपने ससुराल में जाकर के ससुराल पक्ष के साथ में ही व्यापार करने लगा। कुछ समय बाद में जब समय चक्र बदला, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और ससुराल का जो वो व्यापार है वो धीरे धीरे डाउन होने लगा, और उनसे फिर ये कहा गया कि भाई आप वापस वो नौकरी करो। आज ये स्थिति है कि वो अधर झूल में लटके हुए हैं, ना तो उनको अब उस स्तर की नौकरी मिल रही है, ना वो व्यापार अपना इंडिपेंडेंट कोई शुरू कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? मंगल के ही कारण ऐसा हुआ। साथियों, एक स्त्री का भी मैं यहाँ पर उदाहरण देना चाहूँगा, वो भी विवाह के बाद में, चूँकि वो पहले से बहुत पढ़ी लिखी समझदार थी, तो उन्होंने अपने ससुराल में ये इच्छा जताई कि मैं कुछ ना कुछ कार्य करना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ।
तो उनकी सासू माँ ने उनको नकार दिया इस बात से कि आपको ये व्यापार या व्यवसाय करने की बात निकाल देनी चाहिए। कुछ समय बाद में उनके ही व्यापार में उनको किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने उन्हें कहा कि भाई आप बहू रानी जो है वो व्यापार को ज्वाइन कर सकती है। अब बहू रानी की इसको तकदीर कह लीजिए या उनकी मेहनत कह लीजिए, कुछ समय में ही व्यापार जो है वो चरम पर पहुंच गया और मुनाफा कई गुना बढ़ गया। अब जब कई गुना बढ़ गया तब सास ससुर को और दूसरे पक्ष को ऐसा लगने लगा कि अब तो व्यापार पर इसने एक प्रकार से अपना होल्ड कर लिया है, तो उसको अब ये कहा जा रहा है कि आप व्यापार से वापस बाहर निकल जाइए और एक गृहिणी बन करके, एक हाउसवाइफ बन के आगे की ज़िंदगी आप बिताइए। और उनको उदाहरण ये दिया गया कि हम कोई पहले भी भूखे नहीं मर रहे थे और कोई तुमने बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कर दिया, बजाय एहसान मानने के। ये भी स्थिति इस प्रकार का मंगल देता है। साथियों, कहने का अर्थ ये है कि यदि ऐसी स्थिति आपके साथ में है और आपके करियर पर भी इस प्रकार की आंच आई है और ख़ास तौर पर ससुराल पक्ष के दखल के कारण, तब ये जो उपाय मैं आज आपको बतलाने जा रहा हूँ ये आपकी ज़िंदगी को पहले से भी कई गुना बेहतर बना देगा और ससुराल का जो दखल है उसको दूर करेगा। करना आपको ये है कि मंगलवार के दिन आपको लगातार ये 7 मंगलवार तक ये कार्य करना है। मंगलवार को आपको कुछ मात्रा में, मात्रा निश्चित नहीं है, लाल मिर्च जो है उसका दान करना है। लाल मिर्च मंगल का प्रतीक है और मंगलवार को ही आपको जो बीज मंत्र मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ उसका जाप करना है 108 बार एक माला। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भोमाय नमः, भोमाय अर्थात मंगल। अब ऐसा लगातार आपको 7 मंगलवार तक करना है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन 7 मंगलवारों के दौरान, प्रति मंगलवार ही नहीं सभी दिनों में आपको ये ध्यान रखना है कि आप ससुराल पक्ष के किसी भी व्यक्ति से कोई भी विवाद ना करें। अगर उनकी तरफ से विवाद होता है तो आप गलती स्वीकार कर लें, चाहे आपकी गलती नहीं है, तब ही मंगल देव आप पर राजी होंगे। आप इस उपाय को अपनाइए, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाइए। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है आदित्य सोनी जी का, जो कि हमें मिला है बूंदी राजस्थान से। आदित्य जी, आपने पूछा है कि विवाह आपको कैसी पत्नी मिलेगी। विवाह का नहीं पूछा, आपका प्रश्न ये था कि आपको कैसी पत्नी मिलेगी और आपका लव मैरिज होने का चांस है या अरेंज मैरिज। आदित्य जी, आपको पत्नी आपके जैसी मनोकामना है वैसी ही मिलेगी, क्योंकि सप्तमेश मंगल होकर के स्वयं अपने घर को देख रहा है। जहाँ तक है लव मैरिज या अरेंज मैरिज की बात, तो अरेंज मैरिज की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाला लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबाइए और हमें अपना स्नेह देने के लिए लाइक का बटन दबाइए। अपने लोगों तक इसको पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।